हेलो गाइस, अब मैं अपने हेयर रूटीन के साथ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे ब्लैक हेयर्स और शाइनी कैसे होते हैं उसका राज आपको बताना। फुल शाइन हो जाएंगे, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमने दो प्याज लिए, अब हमको छिलकों के साथ काट देंगे हम। जैसे अभी ये काट रहे हैं, अब हम ये काटेंगे। प्याज दो, और वो है हमारा एलोवेरा, वो है हमारा ऑयल। मैं अपनी हेयर क्रीम शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। ये हमने अनियन लहसुन काटा है छिलकों के साथ, ये और ये है ऑयल एलोवेरा, और ये है ऑयल। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये सारी चीज़ें भी डालेंगे, ये एलोवेरा भी डालेंगे, सब चीज़ें डाल के 2 कप इसके अंदर डाल दिए हैं अब हम, और हम बाकी चीज़ें डालेंगे अब सारी। अब ऑयल के अंदर लहसुन और अनियन डालने वाले हैं। फिर अनियन गार्लिक को इसके अंदर अच्छे से पकाएंगे। ये अच्छे से पक रहा है, अब ये हमें 8 मिनट इसको छोड़ देना है और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हेलो गाइस, अब ये अच्छे से पक रहा है, इसको ब्राउन नहीं करना अब हमने, और ये हम इसको कर रहे हैं मिक्स। अब हम इसके अंदर डालेंगे एलोवेरा, और अब इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 1 मिनट ही पकाएंगे। ये देखिए, आपको ये ज़रूर लगाना चाहिए, आपके बाल क्लीन हो जाएंगे। अब हम इसको चूल्हे से उतार देंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। ये देखिए बबल्स फूल रहे हैं इसके अंदर, और हम इसको छान के बोतल के अंदर रख देंगे। फिर हेलो गाइस, मैंने अपने बालों में ऑयल लगा दिया सरसों का। अब थोड़ी देर तक हमें नहा वाटर डालना सर के ऊपर, शैम्पू लगा के फिर देखना मेरे बालों के ऊपर कितनी शाइन आती है कितनी नहीं। अगर आएगी फिर आप जरूर ट्राई करना, अगर नहीं आएगी फिर भी ट्राई करना। बहुत अच्छा ये सरसों का तेल है, जिससे आपको आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, आराम से ब्रश हो जाएगा नहा के, और शाइन आ जाएगी और सॉफ्ट। हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था, मेरे बाल पे बहुत सारा फर्क पड़ेगा और शाइनी आएगी, इसलिए मेरे बालों पे शाइनी आ गई और मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, आराम से ब्रश हो गए। बस थोड़ा आपको करना होता है और फिर आराम से ब्रश हो जाए, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ऐसे सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगा तो जरूर ट्राई करना। बहुत अच्छे हेल्थ की है, बालों की हेल्थ की है। थैंक्स फॉर वॉशिंग, बाय बाय। बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलना।